दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ज्वेलर ने लोगों को उनके जेवर अपने पास रख मोटी कमाई का लालच देकर चूना लगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित लोगों के मुताबिक आरोपी ज्वेलर लगभग 25 करोड़ की ठगी कर पिछले 4 महीने से फरार है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ज्वेलर के खिलाफ FIR दर्ज तो करा ली है, लेकिन आरोपी ज्वेलर के गिरफ्तार न होने के चलते आज ज्वेलर की दुकान के बाहर गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में स्थित जैन ज्वेलर्स नाम से दुकान, जिसके मालिक लोकेश जैन पर फरीदाबाद के लोगों के साथ 25 करोड़ की ठगी करने का आरोप लगा है। पीड़ितों का आरोप है कि लोकेश जैन उनसे उनके सोने के आभूषणों को अपने पास रख मोटी कमाई का लालच देता था। इतना ही नहीं, पीड़ित लोगों का आरोप है कि आरोपी लगभग 100 लोगों की कमेटी भी चलाता था। ऐसा कर वह लगभग 150 लोगों को चूना लगाते हुए लगभग 25 करोड़ लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को की। पुलिस ने आरोपी लोकेश जैन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन पिछले 4 महीने से उसकी गिरफ्तारी न होने के चलते आज लोगों का गुस्सा फूट आया और सभी इकट्ठा होकर ज्वेलर शॉप पर पहुंच गए और आरोपी लोकेश जैन की गिरफ्तारी की मांग करते हुए दिखे। क्या सुनना है आपका? मेरा नाम धीरज गोयल है जी। धीरज जी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हमारा पेड़ प्रदर्शन का कारण ये है कि जो हमारे साथ गलत करके गया, 4 महीने से वो अपने बीवी बच्चों के साथ गायब है, फैमिली उसका सपोर्ट कर रही है। हमें पता लगा था जी, अभी 4 दिन पहले भी वो अपनी कोई रजिस्ट्री करवा रहे, अपनी फैमिली के ट्रांसफर कराने आया है। मतलब देखो जी, क्या अंधकार हो रहा है, 4 महीने से फरार है, FIR हो गया, कोई डर ही नहीं है, खुलेआम शहर में घूम रहा है जी। और देखो, हम लोग अपने हाथ पे कह रहे जी, हमारी दुहाई कर रहे हैं जी, हमारे को दिलाओ इंसाफ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। बस हमारी यही प्रदेश है कि प्रशासन हमारी सुने और उसे जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। कौन से सेक्टर के अंदर और किस नाम से ज्वेलर्स की दुकान है जो ये जी? सेक्टर 7 में जैन सन ज्वेलर्स के नाम से है, लोकेश जैन इसका नाम है जी। और सेक्टर 7 इसी में ई में ही ये रहता है। कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी के कितने का गमन किया है इसमें जी? करीब करीब 150 लोगों का गमन है। ये कमेटी भी करता था तो 100 लोगों की कमेटी करता था और 50-60 लोगों का इनसे मोटा लेन देन। क्या लालच देता था लोगों को, किस प्रकार का लालच? देखो जी, जो हमने इन लोगों से बात करी तो उनको कहता था कि जैसे भाप का मोटे मुनाफे का लालच देता था कि जी आप क्या करोगे, घर में रखे सोना, इसमें कोई फायदा नहीं है, मैं आपको इसमें मुनाफा करा दूंगा, व्यापार करा दूंगा। लोग बैठे रहते थे इसके पास, तो बस ये इसने अपने वादे करके जी ठग है। प्रशासन की बात की जाए तो कंप्लेंट वगैरह दिया आपने? हाँ जी, प्रशासन की बात की जाए तो मैं OP सिंह जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। हम उन पे गए, उन्होंने हमारी बात सुनी, अच्छी तरह उस पर एक्शन लिया, FIR करवाई है। प्रशासन हमारी सुन रहा है, अपने जितने भी हमारे मंत्री जी हैं, अपने केंद्रीय मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी हैं, इन्होंने हमारी सुनी है, अपने किशन पाल जी हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा चिंता ना करो, आश्वासन दिया है। FIR किस डेट में हुई है आपकी? हाँ जी, FIR किस डेट में हुई है? FIR कौन तारीख हुई हमारी? 19 तारीख 3 दिन पहले। अगर कोई एक्शन लिया गया? अभी कोई एक्शन नहीं है जी, अभी छुट्टियां भी पड़ गई फिर, और थोड़ा हमारी बातचीत चल भी रही थी कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ का है ज्वेलर्स, कुछ पता चल पाया है? हमें जी सुनने में आया कि गुजरात के बड़ोदरा जिले में रह रहा है और ये फिरोजपुर जिले का हरियाणा का रहने वाला है, इसके फादर वहीं रहते हैं, सतीश जैन जी उनका नाम है। हमने उनके फादर से मिलने गए, हमने कहा जी बातचीत करो, बेटे को बुलाओ, बैठ के बात करें, तो वो जी उल्टा भग गए और हमारे ऊपर उन्होंने छेड़छाड़ ये सबके उल्टे सीधे इंजाम लगा दिए, थाने में कंप्लेंट कर दी। पुलिस की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? पुलिस ने जी FIR कर दिया, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया जी हम उसको उठाएंगे, उठा के सामने लाएंगे और बातचीत करेंगे। नीरज जैन है, मैं आरोपी से 15-20 सालों से तो मैं वाकिफ हूँ, हालांकि इनके हम भी मेवात क्षेत्र से रहने वाले हैं और इनसे हमारे दादा परदादाओं के टाइम से पूरी रिश्तेदारी, पुरानी रिश्तेदारी के ताल्लुक है। कौन सी जगह दुकान है, किस नाम से दुकान है? इस सेक्टर 7 में जेंसन ज्वेलर्स के नाम से इनकी शॉप है जी। तो कितने का गमन है, अगर गमन की बात की जाए? गमन की बात की जाए तो भैया जैसे मार्केट में सुनने में आ रहा है 20-25 करोड़ रुपए का गमन है ये जी। तो क्या लालच देता था लोगों को, किस प्रकार? भैया जैसे इन दिनों कामों की परेशानियां या बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है तो ये लोग मेरे तो घर पे आया था तो और हमसे पैसे लगाने के लिए बात कर रहा था और इसकी बातों में हम लोग तो नहीं आए, पर ये मम्मी पापा के पास जाके उनके पैर दबा के उनसे अंकल आंटी इससे कई कई रिश्तेदारियाँ थी उन रिश्तों से बुला के सबको ज़बरदस्ती बनाता था और मम्मी पापा इसकी बातों में आ गए और उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बना के मम्मी पापा ने और हमने इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिए थे। खाली पैसे का ही लेन देन करके गया है ये या फिर कोई और? ज्वेलरी भी है, सब चीज़ भी है। जेवर का लेन देन है? जेवर का भी लेन देन है। कितने दिनों से फरार हैं भैया ये? यहाँ से 14 मार्च को यहाँ से फरार हुआ है। सुनीता अग्रवाल। सुनीता जी, क्या मामला है? सर प्रसाद का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? सर ये जैनसन ज्वेलर्स जो है ये काफी पैसे और गोल्ड वगैरह लेके
फरार हो गए हैं, इसमें थोड़ा सा हमारा भी है, हमारे भी इस पे पैसे निकलते हैं। हमारे पापा हैं, उन्होंने अपना गोल्ड वगैरह इनको दिखाया था सेल करने के पर्पज़ से, और इन्होंने ये चीज़ कह के रख ली कि अभी दिखाते हैं, अभी थोड़ा टाइम रोको, क्योंकि काफ़ी टाइम से लेना देना चलता है इन लोगों से, तो इस चक्कर में पापा ने भी इनके ऊपर बिलीव कर लिया। उसके बाद पता चला कि ये तो गायब ही हो गए, हम चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है। कितने समय से आप चक्कर काट रहे हैं पुलिस के और यहाँ पे? सर हमें कम से कम अभी मार्च से लॉकडाउन लगा था, हम इनके पास फरवरी मार्च से ही मतलब करो, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया तभी पता चला। एक्चुअली पापा हर के पास जो गोल्ड वगैरह था वो उसको सेल करना चाहते थे, तो पहले जो भी लेना देना काफ़ी पुराने टाइम से इन्हीं से लेना देना कर रहे हैं, तो इस वजह से इनके पास दिखाने के लिए आए थे। इन्होंने कहा था कि अंकल छोड़ जाइए, हम देखकर बता देंगे आपको इसमें कितना क्या मिलेगा क्या कुछ है, तो इस चक्कर में पापा छोड़ के चले गए। उसके बाद आए तो वो मिला नहीं, इनके नौकर मिले कि अभी भैया नहीं है, फिर चले गए, फिर आए 10-15 दिन बाद कि भैया आए नहीं है, इस टाइप से ना ये करते रहे, वो पता चला फिर ये गायब भी हो गए। जी पुलिस को कंप्लेंट कर रखी है? हाँ जी पुलिस को कंप्लेंट तो वैसे मतलब पुलिस को एफआईआर दर्ज नहीं करी है, बट हमें इस चीज़ का नहीं पता क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन जो अभी हमें पता चला ऐसा है, ये फरार है, आएंगे नहीं, ये गमन करके भागे हैं, तो अब हम ज़रूर इसकी एफआईआर दर्ज करवाएंगे।